हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं एक छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ। तो ये है गौरी का बाथ टब, जिसे फर्स्ट क्राई से मंगाया गया है। और ये बाथ टब गौरी को उसकी बुआ ने गिफ्ट किया हुआ है। तो इसमें गौरी नहाती है आप डेली, और ये कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे से हम खोल रहे हैं तो गौरी भी आराम से देख रही है कि क्या चीज़ें हैं। जब कोई भी चीज़ अगर घर में आती है तो हम गौरी को सामने ज़रूर रखते हैं। तो गौरी देखती है, उसे अच्छा लगता है कि क्या है ये। तो इसको यहाँ पे खोलते हैं, देखते हैं कैसा है। और वैसे ये बाथटब 0 से 3 इयर्स के बच्चे के लिए है, और गौरी अभी 7 मंथ की है, तो आराम से उसके काम आ जाएगा ये बाथ तक के लिए। तो जिनके बच्चे 0 से 6 मंथ के हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें नहलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और ये अब गौरी कुछ टाइम बाद बैठने लग जाएगी, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया है। तो उसमें कुछ भी टॉय वगैरह डाल दो, बच्चों को पानी में मस्ती करना अच्छा लगता है। तो ये जो तार है, इसमें आप आराम पानी का टेम्परेचर भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि जाड़ों में बहुत दिक्कत होती है छोटे बच्चों को नहलाने में, कितना गर्म है, कितना ठंडा है। तो आराम से आप इसको इससे टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। और ये इसमें एक होल दिया हुआ है, जिससे आप पानी को बाहर निकाल सकते हैं। और ये एक छोटा सा गद्दा जैसा है, जो जिसमें आप बच्चे को बैठा सकते हैं, और आराम से इसमें बच्चा नहा सकता है। और जब बच्चा बैठने वाला हो जाए तो उसको आप निकाल सकते हैं आराम से। तो इसको हम अगर बाथरूम छोटा है तो उसके लिए भी बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, तो ऐसा नहीं है कि इसको रखने से बाथरूम की जगह गिर जाएगी। तो बिल्कुल भी बाथरूम की जगह गिरने वाली नहीं है, तो इसको हम आराम से बंद करके रख सकते हैं। और ये एक जगह पे आराम से खड़ा हो जाएगा, इस तरीके से हम इसे बंद कर लेंगे, बस बिल्कुल भी जगह नहीं घिरने वाली हमारी। और आराम से आप जब यूज करना है तो आराम से खोल लें उसे। बस यहाँ पे गौरी को मैं नहला रही हूँ, तो फर्स्ट टाइम गौरी इस पर नहा रही थी, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ नया सा है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगा छोटा सा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।